डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू। आज का अपना टॉपिक है एक्सटर्नल फीचर ऑफ पाइला। पाइला को अपन आज शुरू करते हैं पढ़ना। पाइला के अंदर सबसे पहले अपन उसके बाह्यिक जो करैक्टर है वो देखेंगे। पाइला एक सामान्य जंतु है जिसको सभी लोग बाग जानते हैं और उसको सामान्य भाषा में घोंगा बोलते हैं, एप्पल स्नेल, इसको एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। सामान्यतः इसको क्या बोलते हैं? घोंगा बोलते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है ये। तो इसके अपन आज बाह्य कैरेक्टर्स लेते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स। तो सबसे पहले लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अब ये जंतु किस फाइलम का है? मोलस्का का। मोलस्का फाइलम कौन सा है इसका? मोलस्का, क्योंकि इसके ऊपर बाहर है वो कवच पाया जाता है। और इसके अलावा मोलस्का का सबसे इंपॉर्टेंट या साइलेंट फीचर्स कौन सा है? इनके अंदर मेंटल पाया जाता है, बॉडी है, बॉडी के ऊपर एक और मोटी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको अपन मेंटल बोलते हैं। तो मोलस्का का जो सबसे पिक्यूलियर करेक्टर है वो कवच नहीं होकर के क्या है? मेंटल है। कवच के नहीं, और एनिमल में भी मिलता है, कई और एनिमल है उनमें भी कवच पाया जाता है, लेकिन जो मेंटल है जिसको हिंदी में अपन परवार बोलते हैं वो केवल मोलस्का के अंदर ही मिलता है। तो ये मोलस्का का इंपोर्टेड करेक्टर है। मोलस्का क्लास इसकी गैस्ट्रोपोडा है, फूड सो इसमें पाए जाते हैं चलने के लिए। और सब क्लास इसकी प्रोसोब्रेंकेटा है, प्रोसोब्रेंकिया है, और ऑर्डर इसका पेक्टिनोब्रेंकेटा है, और जीनस पाइला है, और स्पीशीज है वो ग्लोबोसा है। आज अपन यहां पर पढ़ेंगे वो ग्लोबोसा है, क्योंकि उत्तरी भारत के अंदर है वो जो मेन स्पीशीज पाई जाती है पाइला की, वो पाइला ग्लोबोसा है। वैसे इंडिया के अंदर इसकी 8 स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें से अपने आज जो पढ़ेंगे वो है पाइला ग्लोबोसा, जो कि उत्तरी भारत में पाई जाती है। एक एक चीज को लेते हैं अपन, केवल आज अपन केवल एक्सटर्नल फीचर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हैबिट्स और हैबिटेट। पाइला को अगर अपन देखें तो पाइला किसमें पाया जाता है? फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, जैसे पॉन्ड्स है, तालाब है, नदियां हैं, रिवर्स है, और जो झीलें वगैरह हैं उनके अंदर फ्रेश वाटर होता है, और वहां पर ये पाइला पाया जाता है। लेकिन इसका एक स्वभाव होता है कि ये शांत वातावरण में जो स्थिर पानी है वहां पर ये ज्यादा पाए जाने की संभावना है। जैसे चावल के खेत अगर अपन देखते हैं, तो चावल के खेत में क्या होता है? पानी भरा रहता है, तो वहां पर भी यह पाइला काफी मात्रा में पाया जाता है। ये रेंग कर चलता है, यानी ये इसके अंदर फुट पाया जाता है। गैस्ट्रोपोडा के अंदर है ये क्लास इसकी, इसके अंदर फुट पाया जाता है चलने के लिए, और इसका जो फुट की सहायता से ये रेंग करके चलता भी है। अब पानी के किनारे पे जहां पर मिट्टी है या कोई पत्थर पाए जाते हैं उनके ऊपर ये रेंग करके चलता है, और इसकी स्पीड है वो बहुत कम होती है। एक मतलब एक मिनट में ये लगभग कोई 5 सेंटीमीटर के लगभग ये चल पाता है, ये इसकी एक स्पीड होती है। अगर इसकी फूड हैबिटेट देखें तो ये सैकुलेंट प्लांट को खाता है, सैकुलेंट प्लांट जो रसीले प्लांट होते हैं ना उनको ये खाता है। तो ये एक तरीके से क्या हर्बीवोरस है, यानी केवल है वो प्लांट को खाता है। कौन से प्लांट्स को? रसीले जो प्लांट्स होते हैं उनको खाता है, जैसे पिस्टिया है, हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया, ये इसका भोजन होता है। तो ये इसका फूड होता है। दूसरा इसका एम्फीबियस नेचर होता है, यानी पानी के किनारे पर अगर पत्थर होते हैं, नदियों के पास में किनारे पर अगर पत्थर हैं, तो उन पत्थरों के ऊपर ये चलता भी है, और पत्थर के ऊपर भी ये काफी समय तक पाया जाता है। इसका मतलब ये पानी के अंदर भी रहता है और स्थल के अंदर भी रहता है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? एम्फीबियस इन नेचर हो गया, एम्फीबियस नेचर पाया जाता है। जब पानी में होता है तब इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है, जिनको अपन टिनिडिया भी कहते हैं, और जब ये स्थल पे होता है तब इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है वो पल्मोनरी शेक के द्वारा होता है, जिसको इसका लंग्स भी कहा जाता है, पल्मोनरी शेक। तो पानी के अंदर ये गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, और स्थल के ऊपर ये पल्मोनरी शेक के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। तो ये इसकी हैबिटेट है। इसमें एस्टिवेशन पाया जाता है, एस्टिवेशन का मतलब है ग्रीष्म निष्क्रियता। गर्मियों के दिनों में कई बार नदियों का है वो पानी वो सूख जाता है,
तो फिर ये किनारे के ऊपर एकदम से निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, तो इसका मतलब इसके अंदर एस्टिवेशन या ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। तो ये इसकी हैबिटेट है एनिमल की। उसके बाद में इसका इंपॉर्टेंट करेक्टर लेते हैं अपन एक्सटर्नल फीचर में। सबसे पहले शेल, बाहर जो कवच है वो देखिए, ये अपने यहाँ पे पायला का डायग्राम बना रखा है। इस पायला के ऊपर एक कवच पाया जाता है और उस कवच के अंदर बीचों बीच एक एक्सिस होती है। इस तरीके से ये कवच है और इस कवच के बीचों बीच जो चौक है वो एक्सिस का काम कर रही है, एक एक्सिस होती है और उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, कोलुमेला। उस कोलुमेला के ऊपर ये कवच पाया जाता है। अब ये कवच यूनिवाल्व है, जैसे अपन ने यूनियो पढ़ा था, यूनियो में क्या इस प्रकार का यूनियो होता है और उसमें इसका कवच इस प्रकार से खुल जाता था, ये बाइवाल्व है। और ये बाइवाल्व नहीं है, ये यूनिवाल्व है। ये एक ही कवच पाया जाता है कंटिन्यूअस, लेकिन ये कंटिन्यूअस कवच पाए जाने के बाद में यूनिवाल्व होने के बावजूद भी इसको परफोरेटेड शेल बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, छिद्रित कवच बोलते हैं इसको। छिद्रित कवच इसलिए बोलते हैं कि इसके नीचे की साइड में जो इसका लोअर पार्ट है उसमें यहां पर इस जगह पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकस। अम्बिलिकस ये मात्र एक ही इसके अंदर छिद्र पाया जाता है, एक ही अपर्चर पाया जाता है। इसी अपर्चर की वजह से ये क्या हो गया, परफोरेटेड सेल हो गया, अदरवाइज इसके अंदर कोई भी छिद्र नहीं पाया जाता है। तो ये एक यूनिवाल्व कवच इसके ऊपर पाया जाता है। इसका कवच अगर आप देखें तो कंटिन्यूस कोई गोल नहीं है, इसके ऊपर कुंडलन है, राइट हैंडेड इस प्रकार से इसके ऊपर 6.5 चक्र होते हैं जो इसका कवच होता है। उसके ऊपर जब ये बनना शुरू होता है उस समय बनता है और फिर थोड़ी समय के लिए ग्रोथ रुक जाती है तो एक लाइन से खींची जाती है जिसको अपन सूचर बोलते हैं। तो इसके ऊपर इस तरीके से 6.5 कुंडलन स्पायरल स्पायरलिंग पाई जाती है 6.5 चक्कर की। और उन 6.5 चक्कर को अपन देखें तो जो सबसे पहला जो इसका कवच होता है, कवच का जो सबसे पहला कुंडलन होता है उसको बोलते हैं अपेक्स ऑफ सेल, अपेक्स ऑफ सेल, या इसको प्रोटोकॉन्स भी बोलते हैं, प्रोटोकॉन्स। ये सबसे पहला कुंडलन है और इसका जो सबसे बड़ा कुंडलन नीचे की तरफ होता है ये यहां से लेकर के यहां तक एक कुंडलन है और इस एक कुंडलन को सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं बॉडी वॉल, बॉडी वॉल। और इसी बॉडी वॉल के अंदर इसकी पूरी की पूरी बॉडी की जो देह है, उसकी जो अंदर की बॉडी है वो इसी वॉल के अंदर होती है, इसी कुंडलन के अंदर होती है। और इसका नाम क्या, बॉडी वॉल है, जो सबसे बड़ा है। और इस सबसे बड़े बॉडी वॉल के ऊपर उससे जो छोटा होता है उसको बोलते हैं नल्टीमेट वॉल। ये अपन ने नल्टीमेट वॉल दिखाया है। तो यहां पर अपन ने कितने, 6.5 कुंडलन बता रहे हैं लेकिन यहां पर अपन ने दिखाया कितना है, 1, 2, 3 और 4 ही दिखाए, 6.5 अपन ने डायग्राम के अंदर नहीं दिखाए। तो इसके अंदर 6.5 चक्कर होते हैं, सबसे बड़ा बॉडी वन, उसके बाद में जो छोटा होता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट वन, और जो सबसे छोटा जहां से बनना शुरू होता है उसको बोलते हैं प्रोटोकॉन्स। तो इस प्रकार से इसके अंदर 6.5 चक्कर होते हैं। प्रत्येक जो वर्ग बनता है उसमें कुछ समय के लिए ग्रोथ रुकती है तो यहां पर क्या बन जाती है, एक तरीके से सूचर बन जाती है, दरार सी बन जाती है। इस तरीके से ये अपन ने यहां पर सूचर दिखाई है। इस पूरे कवच के ऊपर इस तरीके से ये लाइनिंग पाई जाती है जिसको लाइन ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। और ये लाइन ऑफ ग्रोथ इसकी जब ये कवच बनता है उस समय जब ये लाइन कुछ समय के लिए जब ग्रोथ रुकती है तो उस समय वहां पर एक लाइन बन जाती है और इन्हीं लाइन ऑफ ग्रोथ के द्वारा अपन इसकी उम्र या एज का पता चलाते हैं। कई बार ये लाइनें बहुत गहरी होती है, बहुत ज्यादा गहरी होती है कुछ लाइनें इनकी, उन गहरी लाइनों को क्या बोलते हैं, वेरी सेज बोलते हैं उन गहरी लाइनों को। तो ये इसका ऊपर का कवच है। अब आपको नीचे से ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ये क्या है, यानी इसका माउथ यहां पर होता है, फुट भी यहां पर है और माउथ भी यहां पर है। तो इसका बॉडी का मेन छिद्र यहां पर होगा लेकिन उसको भी इसने ढक रखा है, किसने, एक अलग संरचना है जिसका नाम है ओपरकुलम। सेकेंड अपन क्या पढ़ रहे हैं, ओपरकुलम। तो ये ओपरकुलम है।
ये ऑपरिकुलम इस प्रकार से है और ये ऊपर की तरफ हो जाता है, तो ये क्या करता है अपना माउथ और फुट है वो बाहर निकाल लेता है काफी बॉडी को, ये पूरी की पूरी बॉडी को। ये जो ऑपरिकुलम ढक्कन बोलते हैं इसको, प्रच्छद बोलते हैं, प्रच्छद ऑपरिकुलम कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो इसके अंदर क्या फुट और माउथ होता है, यहां पर माउथ भी है और फुट भी है। ये कवच इस प्रकार से ऊंचा हो जाएगा तो ये अपना माउथ और फुट बाहर निकाल लेगा, तो फुट की सहायता से ये रेंकर चल लेता है और माउथ से वो अपनी फीडिंग कर लेता है। तो ये ऑपरिकुलम ढक्कन पाया जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जो फुट होता है वही इसका स्राव करता है, उसी की वजह से ये ऑपरिकुलम बनता है। यहां पर अपन ने दो शब्द लिख रखे हैं, आउटर लिप और इनर लिप। ये एक्चुअल में कोई लिप नहीं है, बाकी इन स्थानों का केवल नाम दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो मेन एक्सिस है कवच के अंदर, उसको अपन ने क्या नाम बताया, कोलुमेला। तो वो कोलुमेला यहां पर आकर के खुलती है और उस छिद्र को क्या बोलते हैं, अम्बिलिकस, अम्बिलिकस, जिसी की वजह से इसको परफोरेटेड है वो वाल्व बोलते हैं। इस ओपरिकुलम को अपन यहां पर बाहर की तरफ देखे तो अपन ने यहां इसकी एक तरीके से बाहर अपने दिखाया, तो ये इनर सरफेस दिखाया, इसको तोड़ करके मान लीजिए आप अलग दिखाया, तो ये आउटर पर ऐसा दिखाई देता है और इनर साइड से इस ओपरिकुलम को देखे तो इस प्रकार का दिखाई देता है। इसे बाहर की तरफ से अपन देखे तो केवल इसमें यहां पर एक न्यूक्लियस है, जो सेल में होता है वैसा न्यूक्लियस नहीं, क्योंकि ये तो हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई संरचना होती है, तो यहां पर ये गहरी संरचना होती है जिसका नाम न्यूक्लियस है, और ये इसके ऊपर खूब सारी लाइन ऑफ ग्रोथ पाई जाती है, तो ये इसका बाहर। इसी कवच को अपन अंदर की साइड से देखें, इस ऑपरिकुलम को अपन अंदर की साइड से देखें तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, कुछ विशेष नहीं है, केवल बीच में इसी कवच के एक गड्ढा पाया जाता है जिसका नाम क्या है, बोस, और इस बोस के दो चारों तरफ एक ग्रूव पाई जाती है, खांच पाई जाती है, ये इसकी ग्रूव है। ये बोस वो स्थान है जहां पर आकर के मसल्स है वो अटैच होती है, क्योंकि इस ओपरिकुलम को बार बार ये खोलता बंद करता है, खोलता बंद करता है, तो ये किससे संभव होगा, मसल्स के द्वारा, यानी इसकी पेशियों के द्वारा ही वो संभव होगा। वो पेशियां इसकी बॉडी के फुट से और ऊपर जो लगी हुई है वो पेशियां यहां पर अटैच होती है यहां पर। तो जब हम इसको तोड़ करके अलग करके अगर देखते हैं तो यहां पर एक गड्ढा दिखाई देता है, क्योंकि इसी जगह पर वो मसल्स अटैच होती है, इन्हीं मसल्स की सहायता से ये खुलता और बंद होता है। तो इस प्रकार से ये इसका ऑपरिकुलम है, इस ऑपरिकुलम को ये खोल लेता है तो बाहर इसका फुट भी आ जाता है और माउथ भी आ जाता है। जंतु को बाहर की पाइला में अपन ने अगर जंतु के बाहर की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो इसकी है, एक्सटर्नल फीचर्स है, उसको अपन ने अगर ढंग से नहीं समझा तो आगे जब जाएंगे अपन पढ़ने के लिए तो उसको कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फिर इस कवच की अगर अपन हिस्टोलॉजी देखें कि ये कवच किस चीज का बना हुआ है, आप तो ये सेम वही है जो अपन ने योनियों के अंदर पढ़ा था। योनियों के कवच में भी अपन ने तीन परत बताई थी और यहां पर भी ये तीन परत है। ये क्या टीएस ऑफ सेल है, ये जो सेल है इस सेल का टीएस अपन ने यहां दिखाया कि इसकी संरचना कैसी होती है। दूसरी बात, ये सेल बनाता कौन है, क्योंकि कवच के नीचे क्या होता है, मेंटल परवार होता है, मोटी झिल्ली होती है, जो मोलस्का का मैंने अभी लाक्षणिक करेक्टर बताया, वो मेंटल ही इस कवच का श्राव करके बनाता है। तो इस कवच के अंदर ये तीन लेयर दिखाई है अपन ने, पहली लेयर तो ये है ओस्ट्रेकम, पेरिओस्ट्रेकम, दूसरी लेयर दिखाई है प्रिज्मेटिक लेयर, और तीसरी लेयर दिखाई है नेक्रीसियस लेयर। ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और ये थर्ड नेक्रीसियस लेयर है। ये तीन लेयर पाई जाती है। पेरिओस्ट्रेकम ये बाहर की लेयर है जो कि केवल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बाहर एक पतली परत पाई जाती है जिसको पेरिओस्ट्रेकम बोलते हैं। पेरिओस्ट्रेकम के नीचे लॉन्गिट्यूडिनल लाइनें सी दिखाई दे रही है आपको, पट्टियां दिखाई दे रही है, वो पट्टियां किसके बनी होती है, कॉन्चोलिन, एक तरीके से कार्बोनेट है, कॉन्चोलिन और फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कॉन्चोलिन, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये अल्टरनेट प्लेट लगी हुई होती है इसके अंदर, किसमें, प्रिज्मेटिक लेयर में, और उसके बाद में समांतर क्रम में खूब सारी लाइनिंग पाई जाती है जो कि नेक्रीसियस लेयर कहलाती है, वो केवल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो पेरिओस्ट्रेकम और नेक्रीसियस लेयर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और प्रिज्मेटिक लेयर है वो कॉन्चोलिन और
कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, तो इस तरीके से ये इसकी हिस्टोलॉजी है किसकी, टीएस ऑफ शेल, जो इसका कवच है उसकी हिस्टोलॉजी। तो इस प्रकार से ये इसकी पाइला का ये एक्सटर्नल फीचर्स है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो अपन इसकी इंटरनल एनाटॉमी पढ़ेंगे। थैंक्स।